हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसएससी सीएचएसएल 2017 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यह 1 फरवरी 2017 का एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि 25 सवाल में से आपका कितना आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह डिजाइन किया गया था जो हेनरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 2015 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में जीतने वाले थे जो तकाकी कजीता थे, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की पत्थरी किस चीज़ से बनी होती है? तो यह पत्थरी बनी होती है जो कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात आवृतबीजी के बारे में सच नहीं है? जो ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है जो प्रमुख चरण गैमेटोफाइट्स होता है, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है? ऑप्शन है यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिया, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर बाकी सब अवशिष्ट पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? यानी आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डाई क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है? यानी साधारण नाम हो जाएगा फ्रेओन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्घाटन करने या उन्हें डिलीट करने जैसा कार्य कौन करता है? तो इसे डालने और हटाने का काम करता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राजनामा का एक फारसी अनुवाद है, यानी महाभारत का राजनामा है जो फारसी अनुवाद है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वह माल जिसकी मांग उनकी मूल के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जो बेलन वस्तु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल रिजर्व टाइगर है जो उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर चार सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस या ऐसी गैस है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? जो गैस है जो N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मनोहर पारकर भारत के कौन थे? यानी 2017 के समय मनोहर पारकर थे जो सुरक्षा मंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर चार सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है जो हेलसिंकी है, यानी ऑप्शन नंबर दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मूल मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यानी मूल मुठा नदियों के तट पर जो पुणे शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर चार सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु था जो बिंबिसार का बेटा था, ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी तक किस वंश का संस्थापक था? जो 1680 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक मराठा वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एजलवर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति
की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो यह प्रणाली या यह सिद्धांत थर्मोडायनामिक का प्रथम नियम के अनुसार काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ण घूर्ण की दिशा क्या होती है, यानी टॉर्क की दिशा क्या होती है। तो टॉर्क की दिशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होती है, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक के प्रभावी करने के लिए कानून का संरक्षक किससे संबंधित है। यह संबंधित है जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक नहीं बनाया है। तो जो ODI मैच में, जो ऑप्शन में से वीरेन लारा ने ODI मैच में दोहरा शतक नहीं बनाया है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जया का लेखक कौन है। जया का लेखक देवदत्त पटनायक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।